अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गरम कर लेंगे। अब 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 2 लौंग ऐड कर देंगे। अखे मसाले जो है इनको हल्का सा हमें सौटे कर लेना है। देखिए ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें अनियन और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 बड़ी साइज़ के अनियन और हरी मिर्चें कट करके ली है मैंने। अनियन को मैंने रफली ही चॉप किया है क्योंकि हम बाद में इसको पीसने वाले हैं। अब 8 से 10 काजू ले लेंगे, इनको मैंने 2 हिस्सों में कट करके ऐड किया है। अब इन सबको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का सा ब्राउनिश सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, कच्चा पक्का सा इसको फ्राई कर लेना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालती हूँ वो आपको दिख पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज और काजू जो हमने डाले थे हरी मिर्चों के साथ, वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके भी कच्चेपन को ख़त्म होने तक भून लेना है अच्छे से। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। सब मैंने रफली ही चॉप किया है, इनको बस हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/2 ग्लास के करीब ही आपको पानी ऐड करना है। अब इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए हम स्टीम दे देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए सारे अनियन और टोमेटोस। देखिए स्टीम हो चुके हैं अच्छे से, मैंने इनको भाप में गला लिया है, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो मैं हमने अखे मसाले डाले थे ना, खड़े मसाले, उन सबको हम निकाल देंगे क्योंकि इनका फ्लेवर अब इसमें आ चुका है। देखिए मैंने सारे खड़े मसालों को निकाल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने फ्राई किया है अनियन, टमाटो, हरी मिर्ची, कैशू, इन सबको हम जार में डालकर इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर गरम है तो थोड़ा ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसको पीस ले। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से एकदम सॉफ्ट इसका पेस्ट बनाना है ताकि जो इसमें काजू है वो अक्खे ना रहे। तो अब हम पैन ले लेंगे सेम, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल और 2-3 मैंने बटर ले लिए है क्यूब्स कट करके। या तो आप चाहे तो इसको पूरा बटर में भी बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं, बट बटर से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब जो देखिए पेस्ट हमने बनाया था ना पीस कर, ये हम इसमें डाल देंगे। केयरफुली डालना है, ये आपके हाथों पर उड़ सकता है। अब जो थोड़ा मसाला हमारा बच गया है जार में पानी डालकर, मैं उसको भी इसमें डाल दे रही हूँ, वेस्ट नहीं करना है मसाले को। हल्का सा हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं बटर के साथ। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। 1/3 कप मैंने दही लिया है। दही को अच्छे से फैट लेना है आपको, इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए दही में, ठीक है। अच्छे से फैट ले, स्मूथ कर ले, उसके बाद इसमें ऐड करें और फ्लेम को लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही इसको कंटिन्यू मिक्स करते जाना है वरना नीचे लग जाएगी आपकी ग्रेवी। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची ली है मैंने रेड वाली, ताकि रेड कलर, रेड मतलब थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए ग्रेवी में। तीखी वाली मिर्चों का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की है, उससे ही इसमें तीखापन आ जाएगा। और सॉल्ट आप कम ही ऐड करें क्योंकि बटर में भी नमक होता है, तो पहले कम ही सॉल्ट ऐड करना है, बाद में अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर सकते हो। तो देखिए मैंने अच्छे से मसालों को भुना, उसमें थोड़ा सा मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया। अब इसको कवर करके मैं 5-6 मिनट के लिए, देखिए मैंने पका लिया है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और सारे मसाले भी पक चुके हैं। ग्रेवी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
आप गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें पनीर ऐड कर देंगे। 250 ग्राम पनीर है, इसको क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा ही जाएगा पनीर, तो ज़्यादा सॉफ्ट और मलाई जैसा इसका टेस्ट आएगा पनीर का। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर कर, देखिए इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे, चाहे आप क्रश करके डालें या फिर ऐसे अक्खी मेथी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। कसूरी मेथी बहुत इम्पॉर्टेंट है डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, फ्लेवर को इन्हेंस करता है ये, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, स्किप मत कीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं, ये डन हो चुका है। ज़्यादा पकाना नहीं है वरना पनीर आपका थोड़ा चेवी सा हो जाएगा, जो खाने में मज़ा नहीं आएगा। पनीर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए जब आप खाओ तो, ठीक है। अब फ्लेम को लो करके हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 1 या फिर 2 मिनट के लिए ही इसको ढक कर पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बनकर बहुत मज़ेदार सा हमारा शाही पनीर रेडी हुआ है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी थिक है इसकी। ये ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी, तो थिक ही रखना है इसकी ग्रेवी, पतली नहीं होती है। देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है डिश में। अब हम थोड़ा सा कसूरी मेथी के साथ इसको गार्निशिंग दे देंगे, तो हमारा मज़ेदार सा शाही पनीर बनकर रेडी हो चुका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें मेरे वीडियोस को। आप इसको बटर रोटी या फिर नान या फिर बटर नान और कुलचे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है ये खाने में। आप जब इसको बनाओगे खाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है ये। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।